अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिसास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़े कैबेज और स्प्रिंग अनियन से। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे कैबेज 2 कप, स्प्रिंग अनियन 2 कप और थोड़ा सा हरा धनिया। सारे डाल देंगे बाउल में। तीन चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन मोटा मोटा कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून कलौंजी, और इसमें जाएगा 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, ये ऑप्शनल है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे मिक्स करेंगे और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों में से खुद ब खुद मॉइस्चर रिलीज़ होगा, उसी में ही हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो बस तैयार है हमारा पकौड़ी का बैटर, अब इसे फ्राई करेंगे। तेल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और पकौड़ियाँ हमारी क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो अब इन्हें ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो बस तैयार है हमारे कैबेज पकौड़े। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की बने हैं पकौड़े। तो इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें इफ्तार के लिए, आपको भी पसंद आएगी इस पकौड़े की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।